अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं अली टाइल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बाथ लगाने लगे हैं, बाथ में टाइल लगाएंगे। तो सबसे पहले बाथ में टाइल लगाने से पहले जो है ना, दीवार को तार करना है पानी लगा के। हम पानी लगा के दीवार को अच्छी तरह तार करेंगे। खुश्क दीवार पे आपने टाइल नहीं लगानी, ये पहले भी हमने पानी लगाया था इसलिए ये पानी अभी ज़्यादा नज़र आ रहा है। पहले इसको तार किया पानी लगा के, उसके बाद नीचे लेवल लगाया। लेवल लगा के गज के साथ उसके ऊपर से अपने टाइल शुरू कर। नीचे जो है ना, एक टाइल पूरी आएगी, कट पीस जो है ना ऊपर छत के साथ जो आएगा, छोटा आए बड़ा आए वो छत के पास आएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि टाइल और मार्बल के कलर जितनी भी वीडियो होगी उसकी खबर आप तक पहुँचती रहेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करने से पहले जो है ना, सबसे पहले आपने ये जेन में रखना है कि जो पूरी टाइल है ना वो सामने तरफ आए। पहले सामने दीवार शुरू करनी है, जो पूरी टाइल है ना वो भी सामने इस तरफ आए। ये बैक साइड है, जो कट पीस आएगा आपने बैक साइड पे करना, सामने नहीं आना चाहिए। यहाँ भी पूरी टाइल आएगी, इस दीवार के साथ भी पूरी, इसका भी कट पीस उस तरफ जाएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। ये पहले चार नीचे जो है डार्क लगेगी, सेंटर पर बॉर्डर लगेगा, यहाँ पर उसके ऊपर वाइट टाइल लगेगी। तो अभी हम शुरू करते हैं। बांड आपने अच्छी क्वालिटी का लगाना है, नॉर्मल क्वालिटी वाला बांड नहीं लगाना आपने। तो दोस्तों, मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ कि ये बात कितने में तैयार हुआ है। बामा टाइल सब कुछ इसका हिसाब लगा के मैं आपको बताऊंगा कि ये बात कितने में तैयार हुआ है। ये 22 मीटर का बात जो है, तो ये पहली टाइल जो हमने लगाई है, ये लगाई है, इसका मुस्लिम शावर आता था वो पॉइंट। स्पेस हमने 1.5 मिली के लिए, ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं है। साथ साथ आपने जो चेक करना है कोई टाइल आपकी ऊंची हो नहीं है, जो कट पीस है वो इस तरह साइड पे आएगा, सामने वाले साइड जो पूरी टाइल लगाते हैं ये वाले। जो ऊपर पीस को बैक साइड पे लगाना है आपको, सामने दीवार के साथ में लगाना। अगर आपका लेवल ठीक है, अपने नीचे लेवल ठीक गया तो आपको टाइल लगाने में आसानी रहेगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको भी बाहर हम लगाएंगे टाइल का। ये इसका बॉर्डर है, हर टाइल के नीचे आपने स्पेस लगाना। तो हमारी ये मुकम्मल जो टाइल थी वो हमने लगा ली है। अब साइड में कट पीस लगाते हैं, जो थोड़ा सा फासला है वो एक जैसा होना चाहिए, सारी टाइल का मुकम्मल का एक जैसा होना चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। थोड़ी सी ऊंची टाइल है उसको बराबर करें थोड़ा सा ठोक कर। कट पीस जो आपको बोला था वो इस साइड पे, जैसे कट के जो टाइल है वो यहाँ पे लगते हैं एक साइड पे।
नीचे वाला हिस्सा है, बॉर्डर तक मुकम्मल हो गया है। अभी यहाँ पे जो है ना वाइट टाइल लगेगी, इसके ऊपर बॉर्डर के ऊपर से वाइट शुरू होगी। अभी हम शुरू करते हैं इसको। टाइल जो है वो 19,500 की आई है, 22 मीटर, 880 रुपये मीटर के हिसाब से आई है। तो बाकी सामान जो है बॉन्ड वगैरह फिल्म के सारा सामान जो है बनता है आप तकरीबन 22,000 रुपये बन जाएगा वो। तो मजदूरी जो है इसकी वो भी इसमें डाल के ये तकरीबन 29,000 रुपया जो है इसकी बन जाती है एक बार की मजदूरी इसमें, एक बार जो है ना इतने में तैयार होता है टाइल का। तो अगर आप एक हिसाब लगाएं कि एक मीटर की कितनी मजदूरी बन जाती है बामा टाइल मटेरियल वगैरह, तो 1,350 रुपये के हिसाब से, यानी ये टाइल मजदूरी टाइल अगर आपका बात है जितने मीटर भी आप उसको ना 1,350 के हिसाब से ज़रब दे लें, जितने मीटर भी टाइल है, तो आपकी मजदूरी और सब कुछ आपका निकल आएगा। स्पेस हमने 1.5 मिली का रखा है, ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं है, 1.5 मिली का स्पेस है। कट पीस जो है ना वो ऊपर आएगा, क्योंकि छत जो है वो लेवल में नहीं होता, इसलिए कोशिश करें कि नीचे पीस ना डाला जाए, छत के साथ आ जाए, क्योंकि छत के साथ जो नीचे ढलान होती है थोड़ी बहुत, इस वजह से कट पीस जो है ना वो आप छत के साथ लगाएं। हमारी एक दीवार जो है वो कंप्लीट हो गई है सफाई के साथ। इसी तरह ये दूसरी दीवार भी हम शुरू करेंगे, नीचे लेवल लगाएंगे, काज पन लगा कर इसको तार करके फिर इसको शुरू करते हैं। जिस तरह ये पहली दीवार लगाई थी इसी तरह ये दूसरी दीवार भी लगाएंगे, दीवार को पन लगा कर तार करके उसी तरीके के साथ। जो डार्क है वो नीचे लगेगी और चार टाइल मुकम्मल हो जाएंगे। अभी नीचे गाज लगाना है इसलिए वो टाइल नहीं लगी, लेवल निकालना है इसलिए वो टाइल छोड़ी है। जिस तरीके से ये नीचे मुकम्मल किया दीवार, इसी तरह बांध लगाएंगे इसको।
कटर आएगा। तो जिस तरीके से हमने पहली दीवार लगाई है उसके बाद ये दूसरी दीवार लगाई है, इसी तरह इसको भी लगाएंगे। इसको भी हमने पहले पानी लगाया, लेवल लगा के अब इसको शुरू करेंगे। यहाँ से प्लास्टर में थोड़ा सा फर्क है, इसलिए ये टाइल जो है ना साथ दीवार को थोड़ी काट के लगेगी यहाँ से। इसका बॉर्डर आ गया।
रास्ता की वजह से ये टायर जो साइड पे काट के लगेगी।